हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम पाठ्यक्रम के अनुसार बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध से जुड़े प्रश्न, जो विभिन्न टेट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। मैं इसमें वो प्रश्न भी शामिल करूंगा दोस्तों, जो टेट एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पर हमें विशेष ध्यान देना है और इन्हें समझने का प्रयास करना है। जैसे कि सी टेट में एक प्रश्न पूछा गया था, विकास से क्या अभिप्राय है? बचपन के विकास से, तरुण के विकास से, पौर्ण अवस्था के विकास से, जीवन पर्यंत विकास से। और इन चारों ऑप्शन को आप जब देखेंगे, और यदि आपने बाल विकास को गहराई के साथ समझा है, तो इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों, जीवन पर्यंत विकास से, यानी कि जो जीवन भर चलता रहे, उसी विकास की अवधारणा को लेकर बाल विकास की रचना की गई है। दोस्तों, इसका सही जवाब आपको मिल चुका है, लेकिन एक और प्रश्न जो कि टेट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि बाल विकास संकेत करता है, यानी कि बाल विकास किस ओर संकेत करता है? केवल शारीरिक विकास पर, केवल बौद्धिक विकास पर, केवल सामाजिक विकास पर, या उपरोक्त सभी? अब बाल विकास के अंतर्गत यदि आप सही आंसर ढूंढने जाएंगे, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। हम इसे और अच्छे तरीके से समझ लें दोस्तों, तो सबसे पहले हमें बाल विकास समझना होगा। तो दोस्तों, बाल विकास एक संपूर्ण मानव विकास की प्रक्रिया है, जो गर्भकाल से लेकर संपूर्ण जीवन काल तक चलती रहती है। बाल विकास सिर्फ शारीरिक रूप से वृद्धि करने को नहीं माना जाता, इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, व्यवहारिक विकास के सभी परिवर्तन भी शामिल होते हैं। तो ये एक बाल विकास की आप परिभाषा मान सकते हैं दोस्तों। अक्सर टेट एग्जाम में यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि बाल विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है या अपरिवर्तनों की अक्रमिक श्रृंखला है। तो दोस्तों, बाल विकास हमेशा क्रमिक परिवर्तनों की ही श्रृंखला है, जिसमें नव स्वरूप का जन्म होता है और पुराने स्वरूप की समाप्ति हो जाती है। बालक अवस्था से युवा अवस्था और युवा अवस्था से पौर्ण अवस्था में क्रमिक विकास होता है दोस्तों, जो केवल शारीरिक विकास न होकर बौद्धिक विकास एवं सामाजिक विकास और व्यवहार विकास भी सम्मिलित है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और बताऊंगा, जो कि सी टेट 2011 में पूछा गया था। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंत संबंधित, निरंतरता, एकीकरण, अंतक्रिया। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास हमेशा चलता रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, निरंतरता का सिद्धांत। आर टेट 2011 में एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, कि विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण के फलस्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला, अभिप्रेरण एवं अनुभव के परिवर्तन की श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के परिवर्तन की श्रृंखला। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा परिपक्वता एवं अनुभव के परिवर्तन की श्रृंखला। बालक अपने अनुभव से सीखता है और उनमें परिपक्वता हासिल करता है, क्योंकि जितने ज्यादा अनुभव बालक को मिलेंगे, उतना ही ज्यादा वो सीखेगा और परिपक्व की ओर बढ़ता चला जाएगा। बाल विकास में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि विकास क्या है, यानी कि हम विकास को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इस पर महान विचारक मुनरो के अनुसार, विकास परिवर्तन
श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर पौर्ण अवस्था तक पहुंचता है, ये विकास कहलाता है। दोस्तों विकास के कितने प्रकार होते हैं ये भी अक्सर पूछा जाता है, या विकास के कितने क्रम होते हैं ये भी पूछा जाता है, यानी कि विकास कितने क्रमों से होकर गुजरता है। और इसके आंसर में जो सही होगा वही हमें को छांटना होता है। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत से लोग, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है विकास कितने क्रम से होकर गुजरता है, एक क्रम, दो क्रम, तीन क्रम या चार क्रम, यह प्रश्न भी अक्सर आता ही है दोस्तों। और इस प्रश्न पर विभिन्न विज्ञानों के विभिन्न मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है हमको वही मानना है, और सर्वमान्य मत से चार प्रकार के विकास का समर्थन करता है। ये चार प्रकार के विकास कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आकार, रूप, रंग एवं वजन में परिवर्तन, ये पहले नंबर का विकास हो गया। दूसरे नंबर का विकास समझ और परिपक्वता में परिवर्तन। तीसरा नंबर पुराने गुणों में परिवर्तन। और चौथा नए गुणों का सृजन एवं क्षमताओं में विकास। अब इसे हम परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। ये चार मैंने आपको बता तो दिए हैं कि विकास इस क्रम से होकर गुजरता है, लेकिन ये चारों किस तरह से भिन्न है और इसकी परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा पहला है आकार, रूप, रंग एवं वजन में परिवर्तन। शारीरिक विकास के क्रम में हमेशा रूप रंग में परिवर्तन होता है। शरीर के जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है शारीरिक विकास क्रम में भी परिवर्तन आता जाता है। यह परिवर्तन आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये सामने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। दोस्तों हम दूसरा क्रम देखें, समझ और परिपक्वता में परिवर्तन। शारीरिक विकास के क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अनुभव के आधार पर समझ और परिपक्वता का क्रमिक विकास भी साथ साथ होता है, जिसे आपनों के आवाजों को पहचानना, शब्दों को सुनकर बोलना, तो इस पर बच्चे जो होते हैं वो रिएक्ट करने लगते हैं, यानी कि जो उनके अपने हैं उनकी आवाज वो पहचानने लगते हैं, वो जो शब्द बोल रहे हैं उन्हें बोलना शुरू कर देते हैं, उन्हें दोहराना शुरू कर देते हैं। ये हो गया समझ और परिपक्वता में परिवर्तन। अब तीसरा देखें हम, पुराने गुणों में परिवर्तन। बाल विकास के क्रम में पुराने गुणों में परिवर्तन आना विकास क्रम का ही रूप है दोस्तों। जैसे अस्पष्ट उच्चारण से स्पष्ट उच्चारण, दूध के दांत निकलना और उनकी जगह फिर से नए दांत आ जाना, जो पुराने गुणों में परिवर्तन कहलाता है। चौथा है दोस्तों, नए गुणों का सृजन एवं क्षमताओं में विकास। प्रत्येक बालक की क्षमता अलग अलग होती है दोस्तों। जैसे कोई बालक जल्दी बोलना सीख जाता है और किसी बालक को बोलने में और सीखने में अधिक समय लगता है। नए गुणों का सृजन जैसे बैठना, खड़े होना और चलना, इसके साथ साथ क्षमताओं में भी विकास होता है और बालक दौड़ने लगता है, जो बाल विकास क्रम का रूप है। तो दोस्तों आज हमने सीखा बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंधित, अधिगम में सीखने से संबंध। तो इसमें मैंने आपके विभिन्न राज्यों में जो टेट एग्जाम होते हैं उनके विशेष क्वेश्चन शामिल किए। मध्य प्रदेश एग्जाम को लेकर भी आप इसे देख सकते हैं कि इसमें हम वो चीज शामिल करेंगे जिसे आप समझ सकें और समझकर उसका हल निकाल सकें। दोस्तों एक सरल रूप में बाल विकास को पढ़ने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि हमें बाल विकास इतना सरल लगे कि कोई भी क्वेश्चन आए और कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आ चुके हैं उन्हें लेकर हम तैयारी जारी रख सकें। एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों आपके अतुल कुमार शर्मा का, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं अक्सर लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन सुखद हो दोस्तों, और प्लीज पढ़ाई जारी रखें। बाल विकास जितना सरलता से हम समझ सकेंगे और जितने क्वेश्चन हम हल कर सकेंगे डेफिनेटली हम करेंगे, और बाल विकास में आप बेस्ट स्कोर करेंगे ही करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।